हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुड में, मैं जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों 350 सीसी को लेके ना बहुत सारे राइडर्स के बहुत सारे कंफ्यूजन है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिसएडवांटेज पे वीडियो बनाई हुई थी, बट मैंने एडवांटेज पे नहीं बनाई थी, तो आज एक मिक्स वीडियो होने वाली जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बताने वाला हूं। एंड बहुत सारे राइडर जो है ना क्वेश्चन पूछते हैं, जो न्यू बायर्स भी हैं एंड जो दोस्तों जो सेकंड हैंड बाय कर रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दोस्तों रॉयल एनफील्ड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में वो डाउट जो है ना वो क्लियर कर देंगे, एंड जितने भी कमेंट्स आते हैं ना आई होप उसके बाद नहीं आएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि सारी डिटेलिंग जो है आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग एक स्टैंडर्ड लाइन बोल देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और ऑलमोस्ट अभी 80% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं जो वीडियो देखते हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकूँ एंड आपके डाउट्स जो है ना वो ऐसे ही क्लियर करते रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों अगर स्टार्ट करें एडवांटेज से, तो बहुत सारे एडवांटेज आपको देखने मिलेंगे रॉयल एनफील्ड की, एंड दिन ब दिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है कि यूज़र भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज दोस्तों पहले तो बहुत सारे राइडर जो बोलते हैं ना वो है इसका दुक 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 साउंड। दोस्तों BS6 में थोड़ा कम सुनने को मिल रहा है, बट BS4 और BS3 में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था, बट कुछ एक मॉडिफिकेशन के बाद में वो अगेन थोड़ा बहुत आ सकता है, जो साउंड है ना फील है वो आ सकता है। एंड राइडिंग पोस्चर, दोस्तों इसका राइडिंग पोस्चर इतना कंफर्टेबल है कि आप लॉन्ग राइड भी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इवन इसको मेंटेन करना भी ईजी है, आप चाहें तो सिंपल कुछ टूल से इस बाइक को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। इसका मेटलिक बॉडी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रेट्रो लुक दोस्तों, इसका रोड प्रेजेंस, रोड ग्रिप, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इसको एडवांटेज देती हैं और इसको इसके जो राइडर्स हैं ना वो इंक्रीज हो जा रहे हैं। इसका इंजन अगर बात करें तो वाइब्रेशन तो देता है, बट उसके साथ ही साथ आपको हैवी क्लच भी देता है, जो आपको बाकी सब जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक होती हैं, उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब हैं इसके एडवांटेज दोस्तों। एंड अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो वो भी हमको ध्यान देना चाहिए जब हम बाइक बाइक कर रहे होते हैं कोई भी, ठीक है, अपने नीड एंड वांट्स को ध्यान में रख के। दोस्तों फर्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो सबसे ज़्यादा राइडर्स को देखने को मिलता है, वो है इसका वाइब्रेशन। अबव 80 के बाद में इसमें वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है इसका माइलेज। माइलेज दोस्तों ऑब्वियसली थोड़ी हैवी बाइक है, तो आपको जो है माइलेज ड्रॉपिंग अगर आप सही से राइड नहीं करते ना, तो माइलेज सही नहीं मिलेगा। वैसे तो नॉर्मली ये 40 KMPL के आसपास एवरेज दे देती है अगर आपकी सही राइडिंग हो तो, बट थोड़ा सा भी आपने थोड़ा सा इसको रफ राइड करने की कोशिश की तो आपको हैवी जो है वो माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज हैवी बाइक है। एंड उसके बाद आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस होते हैं, हिडन मेंटेनेंस होते हैं, जो आपको ओवर ए पीरियड टाइम कराने पड़ते हैं। ऑब्वियसली पहले अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो इंजन आता है वो 2.5 लीटर आता है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल बाइक्स आपने देखेंगे उसमें 1 लीटर का आपको इंजन डालना पड़ता है, तो इसमें रेट जो है ऑलमोस्ट आपने देखा कि 2.5 गुना जैसा हो गया। तो आपको नॉर्मल सर्विस चार्ज जो है वो 1000 के आसपास देना पड़ता है, बट अगर थोड़े बहुत भी हल्के फुल्के और मेंटेनेंस की बात करें तो पीरियडिक मेंटेनेंस जो है इसमें इस मॉडल में ज़्यादा होता है। एंड दोस्तों अगर बात की जाए एक और पॉइंट की, जो कि है पिकअप एंड स्पीड की, तो आपको इसमें स्पीड नहीं मिलेगी। भले ही इसमें 350 सीसी का इंजन है, बट आपको स्पीड जो है वो 115 टू 120 तक ही आपको मैक्सिमम मिलेगी। अगर इससे और ऊपर चलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इंजन जो है वो एकदम निकल के गिर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। 80 तक अगर आप राइड करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा स्मूथ देगा, अच्छा रोड ग्रिप देगा, अच्छा आपको हल्का बल्कि पिकअप भी मिल जाएगा। हाँ पिकअप भी एक चीज़ है कि ऑब्वियसली बाइक अगर हैवी है तो पिकअप भी कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अगर कंपेयर किया जाए 130 kg के 140 kg की, तो ऑब्वियसली जो लाइट बाइक है उसका पिकअप जो होगा बहुत अच्छा होगा, और जो हैवी है उसका पिकअप जो है फिर वो कम होता है। तो इसका पिकअप भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी आपको मॉडल से बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो दोस्तों आपने देखे प्रो एंड कॉन्स, मैक्सिमम डिटेलिंग जो है इसमें मैंने कवर नहीं की है, आपको सिर्फ ऊपर पर डिटेल दी है, ताकि जब आप बाय कर रहे हो ना तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि क्या भाई मिलता है और क्या नहीं मिल रहा है आपको, क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव साइड जो मैंने अभी कवर नहीं किए हैं, जैसे कि बात की जाए इसकी रीसेल वैल्यू की, क्योंकि रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बाइक बाय कर रहे हो उसका मार्केट में बाद में रीसेल वैल्यू नहीं है तो फिर थोड़ा घाटे का सौदा भी होता है बाय करने के बाद। तो इसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है, बायर भी अच्छे से मिल जाते हैं, एंड दोस्तों अगर आप सही से मेंटेन करते हैं ना तो ये सालों साल चलती हैं, ठीक है। बस थोड़ा मेंटेन अगर आप सही से करें, थोड़ी चीज़ अगर केयर करें, तो मतलब आपके बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है, आपको अभी मालूम हो कि ओल्ड बुलेट जो है अभी भी बिक रही है, सेल होती है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में बिकती है, 3-3, 4-4 लाख में सेल होती है अगर कंडीशन एकदम बहुत अच्छी होती है तो, कि जैसे कि आप मालूम है 70, 75 और 65 की भी बुलेट्स इवन देखने को मिलती है और अच्छे से रोडों पर मिलती भी है।
तो दोस्तों ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी है ऑलमोस्ट। जब भी आप कोई बाइक बाय कर रहे हो ना तो अपने नीड एंड वॉन्ट्स को हमेशा देख लीजिए। अगर आपको चाहिए स्पीड, पिकअप और माइलेज, ये कॉम्बिनेशन आपको रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पीड तो आप भूल जाइए, माइलेज जो है हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि हाँ भाई माइलेज थोड़ा बहुत 40 km/h के आसपास एवरेज है अगर आप सही से राइड करते हैं तो। इसमें एक छोटा सा स्टार है, उस स्टार को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो माइलेज पर कवर करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन पर आ जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारी डिटेलिंग क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का टोटली उपयोग करिए एंड अपने जितने भी क्वेश्चन सजेशंस है ना वहाँ पे आप इजीली दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ बोलूँगा कि ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, लाइक एक दबा दीजिएगा। बाय।